भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने सोमवार दोपहर भाजपा कार्यालय में पहुंचकर पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि भाजपा जो काम कर रही है उसे जमीन तक और ले जाने का काम करेंगे। साथ ही पार्टी अपनी एकजुटता और जनता के बीच साफ स्वच्छ छवि के चलते आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष का प्रभार लेने के बाद वहां पर मौजूद सभी जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अनुसार भाजपा के कर्मठ नेता पवन पाटीदार को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता सहित तीनों विधायक मौजूद रहे। जो काम पार्टी ने दिया है, जो विश्वास करके पार्टी ने काम दिया है, वो काम को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और नीचे तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। जो कार्यक्रम ऊपर से आएंगे उन कार्यक्रमों को अच्छा से अच्छा करेंगे। आने वाला समय जो चुनावों का है, वैसे मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता रोज़ चुनाव लड़ता है। रोज़ चुनाव कैसे लड़ता है? ये कांग्रेस की प्रणाली है कि जिस दिन चुनाव आए उस दिन काम करती है, जिस दिन चुनाव आए उस दिन वादा करती है। भारतीय जनता पार्टी वादे कम करती है, काम ज़्यादा करती है। चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, यहाँ अगर अलग कार्यक्रम चल रहा है तो वो कहीं कहीं वहाँ बैठा हुआ किसी न किसी किसान के गेहूँ तुलने में मदद कर रहा होगा। वहाँ बैठा हुआ किसान, मतलब वहाँ बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर पर, किसी न किसी का ई पास बन जाए उसकी चिंता कर रहा होगा। बूथ स्तर पर बैठा हुआ कार्यकर्ता कोरोना में उसकी बस्ती में उसके मंडल में कोई भूखा न सोए उसकी चिंता कर रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्रत्येक दिन चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक दिन लोगों की चिंता करता है, गरीब की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, जिस भी वर्ग में वो रहता है उसकी चिंता करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सामने हमेशा चुनौतियाँ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनौतियों का डटकर मुकाबला करती आई है। हमारे आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई पवन जी बने, उनके जिलाध्यक्ष बनने से नौजवानों में ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी जो कार्यप्रणाली अभी देखने में आ रही है, उसको लगता है कि सबको साथ लेकर, सबको साथ समेट कर और काम में लगेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने काम किया और पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं, उसी तरह से पवन जी इस पार्टी को नई ऊंचाइयां देने में सक्षम है, सफल होंगे, ऐसा मैं अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और इस संगठन में एक खूबी है कि यहाँ का हमारा कार्यकर्ता अगर वो छोटे से स्थान पर रह रहा है तो वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। ये पार्टी खासियत है। कांग्रेस जैसा नहीं है कि कांग्रेस में एक लीडर है बाकी सब नीचे कचरा बग्दे जैसी व्यवस्था रहती है उनकी, कि वो कुछ तो भी करते रहते हैं, उनका कोई मोरल नहीं रहता। पर हमारा संगठन इतना मजबूत है कि एक कार्यकर्ता हमारा छोटा सा है वो नेता है वहाँ का, उस गली का। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलते हैं, तो हम लोग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जो नेता है, आज पवन जी को जो दायित्व तो मिला है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। तो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको भी सेहरा बांध देता है वही पार्टी का मोर मुकुट होता है और उसके पीछे हर कार्यकर्ता अपना झंडा लेके चल पड़ता है। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन जी पाटीदार के नाम का निर्णय करा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग भी खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत को और उनके साथ इस पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए ललायत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें पवन जी पाटीदार के रूप में नए जिलाध्यक्ष का नेतृत्व सौंपा है और जब से पवन जी की घोषणा हुई है तब से हम देख रहे हैं कि पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में और विशेषकर जिले के युवाओं में भयंकर उत्साह है, भारी उत्साह है। और हमें विश्वास है कि भाई साहब पवन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जितना बेहतर पहले करी है उससे और पवन जी पार्टी को आगे ले जाएंगे और विशेषकर जिले के युवाओं में अत्यधिक उत्साह माननीय पवन जी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद देखा गया है। सेवा, समर्पण और त्याग की भावना को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्व हिताय सर्व सुखाय के सिद्धांत को लेकर चलती है। निश्चित रूप से युवा तरुणाई को आज यहाँ नीमच जिले का जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। परम सम्मानीय पवन जी के रूप में हमें एक युवा नेतृत्व मिला है। निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार पूरे जिले में हुआ है। एक नई सोच, एक नए समन्वय के साथ में पूरे युवाओं को साथ में लेते हुए और समस्त कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हुए और उनकी बातों को सहजते हुए किस प्रकार से आम व्यक्ति का कार्य हो, कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए किस प्रकार से जन भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प भी है कि युवाओं को काम और वरिष्ठ जनों को सम्मान। आज पवन जी पाटीदार ने पदभार ग्रहण किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है,
एक विचारवान पार्टी है और विचारों का प्रवाह सतत निरंतर चलता रहता है। जिन मानबिंदुओं के लिए और जिन विचारों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो धारा हमको दी है, पवन जी पाटीदार निश्चित रूप से पार्टी की इस मुख्य धारा में चलेंगे और संगठन को एक नया आयाम देंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का नीमच से दीपक खदाबे की रिपोर्ट।